हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी साइक्लोन का वीडियो आया है, ब्लॉग। नॉर्मल ब्लॉग तो था, मतलब एक तरीके से वो नॉर्मल ब्लॉग था, लेकिन फिर भी उसने उसमें खिचड़ी पकाने की कोशिश की है, तो मैं आज उसी पे बात करने वाली हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक छोटा सा रिमाइंडर और है कि अगर आप किसी और को फेवरेट आपका कोई ब्लॉगर हो जिस पर रिएक्शन चाहते हों, तो आप उसका नाम ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज मैं एक ही बंदे पे रिएक्शन दे दे के थोड़ा सा फर्स्ट्रेट हो चुकी हूँ। तो थोड़ा सा मुझे एक आधा कोई कंटेंट और ऐड करने का मन हो रहा है, बिकॉज मैंने अब अपने एक रिएक्शन चैनल को स्टिचिंग का चैनल बना दिया है। तो अगर आप स्टिचिंग से रिलेटेड देखना चाहते हैं वीडियोज़, सूट से रिलेटेड, स्लीव डिज़ाइन, ब्लाउज डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें, तो आप लोग मेरा जो चैनल रिएक्शन चैनल दूसरा था, आप उस पर जाके देख सकते हैं। दिव्या खन्ना डिज़ाइन के नाम से मैंने उस चैनल को कन्वर्ट कर दिया है, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और अपना फेवरेट ब्लॉगर का नाम ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट और रिएक्शन किस पे चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी एक वीडियो आया जिसमें कि इन्होंने वीडियो कार्ड खेला है, जिसका टाइटल इन्होंने ऐसा दिया है कि मतलब अकेली औरत को इतना हक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके। तो ये अंदर जो वीडियो है उसमें इन्होंने कुछ नहीं किया, बच्चे की कटिंग कराई है, बालों से रिलेटेड कटिंग कराई है, नाई के पास ले गई थी सैलून, और वहाँ से कटिंग करा के आई है। और उसके बाद इसने वहाँ पर कुछ शॉपिंग की है, जो कि कुर्तीज़ की शॉपिंग आप लोगों को पता ही है कि अभी चल रही है फ़िलहाल में, तो वही कुर्ती की शॉपिंग की है। कुर्ती की शॉपिंग करने के बाद इन्होंने अपना घर पे लाके वो चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन इन्होंने ये भी चीज़ें दिखाई हैं साथ में कि जो रेड कलर होता है वो विडो को मतलब नहीं पहनने देते लोग, या ये पहनती है तो लोग उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि आज तक मैंने तो इतने लोगों को नहीं देखा कि ऑब्जेक्शन उठाया, यहाँ तक कि तुमने दुल्हन वाले लहंगे भी पहने हैं, अब पता लग रहा है कि वो तो पड़ोसन के घर के लहंगे थे। जो तुम हमें ये दिखा रही थी कि ससुराल वाला कंटेंट जो फरवरी में तुम लेकर आई थी, एक महीना तुमने सारे लोगों को दुखी किया है, ससुराल से आए मेरे तोहफे, ससुराल से आया मेरा लहंगा, शादी की डेट कौन सी है, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ नहीं है, ज्वेलरी भी आ गई, सास ने भेजे लहंगे, सास ने भेजा शगुन, ये सारे कंटेंट हम देख रहे थे। तो तब तुमने, अगर तुम ट्रॉल होकर नहीं कुछ हुआ, तुम्हारी सेहत पर फ़र्क पड़ा, तो आज तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा, है ना। आज तुम लाल पहनो, नीला पहनो, पीला पहनो, जो तुम दुल्हन का जोड़ा पहन के वीडियोस बना रही हो, जुबीन के फ़ोटो लगा लगा के, तो मैं तुम्हें किस बेसिस पे बोल दूँ ये बात कि भैया हमें बुरा लगता है, या हमें शर्म आती है, या लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। लोग कुछ नहीं बोलते, और लोग बोलते भी हैं तो तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ता है, तुम ये बताओ। आज एक लाल कुर्ती के लिए तुम कुर्ती परचेज करके लाई, तुमने वीडियो बना के फटाफट डाल दिया कि इस तरीके से लाल कुर्ती के ऊपर लोग मुझे एलिगेशन लगाएंगे, या लोग मुझे बोलेंगे कि मैं लाल रंग का कुर्ती क्यों लाई हूँ, क्योंकि मैं वीडो हूँ और वीडो लड़कियाँ ये नहीं पहनती, इस टाइप का इन्होंने बताया अपनी वीडियो के अंदर। तो मैं ये कहूँगी कि आज तक ऐसी कौन सा काम है जो वीडो होकर भी तुमने नहीं किया लाइफ में, वो काम किए हैं जो शायद कोई वीडो औरतें करती भी नहीं है लाइफ में, कभी नहीं करती हैं जो औरतें, वो सारे काम तुमने भरपूर मात्रा में किए हैं। और आज तक सिर्फ वीडो औरतों का मजाक ही बनाती आई हो, शुरू से लेकर अभी तक सारी जगह पे तुमने सिर्फ गंदगी ही गंदगी की है, उसके अलावा तुमने कुछ नहीं किया। और आज तुम्हें अपने टाइटल में ये डालने का टाइटल डाल रही हो, थंबनेल डाल रही हो कि भाई एक विधवा औरत को जीने का हक नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, और कितना जियोगी। नॉर्मल औरतों से भी अच्छी लाइफ तुम जी रही हो, पैसा ही पैसा तुम्हारे चारों तरफ, खाने की कोई टेंशन नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पल भर में किसी भी आदमी को उठाती हो, उसको अपना पति का नाम दे देती हो, गंदगी करती हो, दूसरों के पतियों पर डोरे डाल रही हो बैठ के आराम से, है ना। साथ ही साथ अगर मैं ये बोलूँ कि अपने घर का, तो अपने घर की धज्जियाँ तुमने इतने अच्छे से उड़ा रखी हैं कि पूछो ही मत। तुम्हारे भाई को रात को 12 बजे अगर वो लाइव आ रहा है, तो तुम्हें रात को 2 बजे लाइव आके उसका कंपटीशन चलाना है, मतलब तुमने नींद भी अपनी गायब की हुई है, पैसों की लत तुम्हें इस हद तक लग गई है। और बेवकूफ़ लोगों को बनाती है कि लाइव से पैसा आता नहीं है, तो पहले भी मैंने वीडियो में चैलेंज इसको अभी सुबह वाले में किया है कि अगर वीडियो तुम बोलती हो ना कि पैसे नहीं आते लाइव करने से, तो तुम अपना एक बार डैशबोर्ड दिखा दो पब्लिक को कि हाँ पब्लिक नहीं आते मेरे पास पैसे, हमें भी पता लग जाएगा कि तुम जो लाइव कर करके सच में तुम अपनी सिर्फ मन हल्का कर रही हो, और उससे ज़्यादा तुम्हारा कोई मोटिव नहीं है। तो ये चीज़ तो मैं देखना ही चाहूँगी कि क्या चक्कर है, क्योंकि सच बताऊँ
तो देखो गाइज, आप लोग मेरे चैनल की दुर्दशा देख रहे हो कि मेरे चैनल पे कितने व्यूज आ रहे हैं और कितने सब्सक्राइबर हैं, और अगर मैं लाइव करती हूँ तो मेरे कितने व्यूज चले जाते हैं। अगर मैं रीसेंट वीडियो की लाइव की बात करूँ तो उस पर भी मेरे डॉलर बने हैं। मतलब कितने बनते हैं वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ बनते हैं पैसे। ये जो बोलती है कि मेरे पैसे नहीं बनते, ये बात तो सबसे बड़ी झूठ है। आप बताओ, ये एक मतलब मैं क्या बोलूँ, ये कूड़ा भी फेंकने जाती है ना, उसका भी वीडियो बनाती है। मतलब आप लोगों ने देखा ना, कूड़े की बाल्टी लेके कूड़े के डब्बे तक जाती है ना गली के बाहर, तो उसका भी ये वीडियो बनाती है। तो आप लोगों को लगता है कि ये एक मिनट भी फ्री में सोशल मीडिया पे कोई काम करेगी? रत्ती भर नहीं करेगी। आज की डेट में भी जो इसने ये कंटेंट डाला ना सुबह की, मैं पापा जी का खाना पता करने गई थी, खाना पता नहीं करने गई थी, ये वहाँ चिंगारी लगाने गई थी, क्योंकि इसको पता लग गया कि भाई पापा जी चले गए उधर, अब मेरे को कंटेंट नॉर्मल लाना पड़ेगा। और जो भाई है वो भाई अपना कंटेंट ला ही रहा है, उसने कहीं ना कहीं बोला इसकी पोल पट्टी खोलूंगा। जब पड़ोसन का मैटर बीच में अभी हुआ था, पड़ोसन के मैटर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इसने अपने भाई को बलि का बकरा बना दिया और उसके ऊपर चढ़ गई पूरा राशन पानी लेके, और उसकी ज़िंदगी हराम कर दी इस औरत ने। आप सबने ही देखी है ये सारी चीज़ें। तो उससे पहले इनकी जो दीदी आई थी, दीदी का मैटर हुआ तो इन्होंने बर्तन बजाने शुरू कर दिए, बर्तन बजाने शुरू किए तो उस टाइम पे वो दीदी थोड़ी सी साइड हो गई, उन्होंने अपनी तरफ छोड़ दिया, अपने मैटर को उस टाइम पे ख़त्म कर दिया। तो वो दीदी हो गई साइड, उनका चैप्टर क्लोज हो गया। फिर पड़ोसन का चैप्टर खुल गया, नहीं फिर उसके बाद इनके भाई का चैप्टर हॉस्पिटल वाला खुल गया। ठीक है, दीदी को साइड किया तो हॉस्पिटल का चैप्टर खोला दिया। हॉस्पिटल का चैप्टर बंद करने के लिए इन्होंने अपनी पड़ोसन से हंगामे करने शुरू कर दिए। अब पड़ोसन ने जब पोल पट्टियाँ लोगों के लाइव में आके अपनी मन की भड़ास निकालनी शुरू की, इनके बेटे को फेमस करना शुरू किया, जो कि ये बोलती है कि फेस वैल्यू, तो वो भी फेस वैल्यू ही बना रही थी और तो कुछ नहीं बना रही थी इनके बेटे की। तो वो फेस वैल्यू जब बनाने आई, तब उस समय इन्होंने ये चीज़ की कि उस समय इन्होंने अपने भाई से उसका मैटर चालू कर दिया कि उसकी एक बेटी है, उसका ये है वो है। अब ये उसके साथ भिड़ गई। अब जब वो थोड़ा सा अपने रूप में आया कि चल अब मैं बताता हूँ कुछ, जब उसकी बारी आई वो लाइव करने लगा, तो अब ये कहती है कि मैं तो भैया इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहती, मैं शांति चाहती हूँ, लोग मुझे परेशान करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और आज भी देख लो, आज भी अगर चाहती तो नॉर्मल वीडियो डाल सकती थी, लेकिन उस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अरे गाइस, आज मैं ये देखो एक कुर्ती लेके आई हूँ 300 रुपये की, लेकिन जब मैं पहनूंगी ना तो आप लोग मुझे ज़रूर ट्रॉल करोगे। आप जिसमें ये मैं पहन के आऊँगी ना, उसमें आप मेरे कमेंट देखना, अरे भाई तेरे लाइव में हमने कमेंट देखे हैं, तुझे लोग ये बोलते हैं तेरा रेट कितना है, तेरा ये कितना है, तेरा वो कितना है, तो इतनी बदतमीज़ और इतनी वाहियात घटिया औरत है कि तू उन कमेंट को भी डिलीट नहीं करती है, ना ही उन सब्सक्राइबर्स को हाइड करती है, बिकॉज तुझे मज़ा आ रहा होता है। सच बताऊँ तो खुद ही तूने अपना मजाक बना रखा है दुनिया के बीच में, तो दुनिया क्या ही बोलेगी भाई। जो गंदगी हर किसी के चैनल पे होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के चैनल पे होता है, लेकिन ये है कि हाँ इसके चैनल पे भरपूर मात्रा में होता है, बाकी हम लोगों के चैनल पे इतना नहीं होता है। अब हमारे चैनल पे अगर कोई इक्का दुक्का घूमता फिरता कोई आ भी गया मजे लेने वाला, तो वो सिर्फ एक बकवास करेगा और उसके बाद हम लोग उसको चैनल से ही हाइड कर देंगे कि भैया भौंकता रहे जितना भौंकना है। उसको लगता है कि मैं मैसेज कर रहा हूँ, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो हाइड हो जाता है उसी वक्त। तो ये मैडम के कमेंट सेक्शन में आपने कभी लाइव में देखा है कि इसने किसी को गंदा जो लिख रहा है उसको डिलीट किया हो या हाइड किया हो? ये बल्कि और बोलती है, देखो गाइज मुझे लोग कैसा बोल रहे हैं, देखो कैसा बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं। भाई लोग क्या देखेंगे, हम क्या देखें इसमें? तेरे से पूछा जा रहा है, तू जवाब दे उसको, नहीं दे सकती उसको हटा दे। जब तेरे को समझ आ गया कि वो गलत डायरेक्शन में बात हो रही है, फिर तू क्यों मजे लेने के लिए उसको रखती है? लोग फिर उस चीज़ों पे सवाल बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। आज भी इसको किसी ने कमेंट किया वीडियो के नीचे कि आप अपने भाई को ना वो दे दो, स्ट्राइक दे दो, तीन तीन स्ट्राइक अलग अलग तरीके से दे दो। तो इसने आगे से बोला, नहीं नहीं मैं स्ट्राइक नहीं दे सकती, मैंने सारे क्रिएटर्स को खुद ही बोला हुआ है कि भैया मेरे ऊपर वीडियो बनाओ और मैं किसी को स्ट्राइक नहीं दूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। तो जब स्ट्राइक देनी नहीं है तो फिर ये कहानी गाने का मतलब ही नहीं होता। सीधी सीधी बात है कि भैया अच्छा काम करोगे तो अच्छा सुनोगे, गलत काम करोगे तो गलत सुनोगे। अब तुम अपने भाई को रोज चोंच मार रही हो, और ऐसा भी नहीं है कि भाई चूहे की तरह अपने घर में घुस गया, नहीं, इतनी बड़ी गाड़ी उसकी घर के बाहर ही खड़ी हुई होगी ना, गाड़ी कहाँ थी उसकी? इसको गाड़ी अगर दिख गई तो ये लेने क्या गई थी ऊपर? जब इसको दिख गया कि गाड़ी खड़ी हुई है उसकी, और गाड़ी तो गली में ही खड़ी करेगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि घर के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर छत पे छोड़ाएगा चौथी पांचवी मंजिल पे, ऐसा तो करेगा नहीं वो। अगर वो अपने घर में गया है, अगर वो घर में है
तो उसकी गाड़ी कहीं ना कहीं बाहर ही मिलेगी ना इसको, या अगर ये उसके घर जा रही है, पहली चीज़ है कि उसकी गैर हाजिरी में उस इसके जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, जो मेरे को लगता है ये गलत चीज़ इसने खुद की है, जानबूझ के की है ताकि इसको कंटेंट मिले और ये और अपनी भाई की धज्जियाँ उड़ा पाए। तो ये सारी चीज़ें गेम खेलती है जानबूझ के। तो आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बहुत जल्दी आएगा वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय, टेक केयर।